और ध्वनि प्रदूषण के चलते कुछ वर्ष पूर्व तक शांत, संयत और सहज रहने वाली राजधानी जयपुर का मिजाज अब बदलने लगा है। अब गुलाबी नगर के मिजाज में बहरापन, चिड़चिड़ाहट और आक्रामकता आ गई है। आपको आज इसके कारण और प्रभावों के बारे में बताते हैं कि क्यों राजधानी में शोर बढ़ता जा रहा है और स्वभाव बदलता जा रहा है। इसी पर हमारी एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट पेश है, देखिए। ध्वनि प्रदूषण मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए एक बड़ी समस्या है। शांत रहने वाली गुलाबी नगरी में लगातार शोर बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते राजधानी जयपुर भी ध्वनि प्रदूषित शहरों में शामिल हो गया है। राजधानी जयपुर में ध्वनि प्रदूषण के हालात पर नजर डालते हैं। किस जोन में दिन और रात्रि में कितना डेसीबल ध्वनि प्रदूषण हो रहा है? गुलाबी नगरी में ध्वनि प्रदूषण डेसीबल में स्थान गवर्नर हाउस, जोन साइलेंस जोन, दिन में 68.6, रात्रि में 61.6, दुर्लभ जी साइलेंस जोन 66.3, 62.9, मानसरोवर आवासीय 59.62, शास्त्री नगर आवासीय 75.5, 72.7, राजा पार्क वाणिज्यिक 59.9, 63, छोटी चौपड़ वाणिज्यिक 72.9, 75.4, वीकेआई नॉर्थ औद्योगिक 64.4, 64.5, सीतापुरा औद्योगिक 64.5, 66.4। जयपुर शहर में ध्वनि प्रदूषण के मानकों की बात करें तो ध्वनि प्रदूषण का मानक साइलेंस जोन में ध्वनि प्रदूषण का मानक दिन में 50 और रात्रि में 40 डेसिबल, आवासीय जोन में दिन में 55 और रात्रि में 45 डेसिबल, वाणिज्यिक जोन में दिन में 65 और रात्रि में 55 डेसिबल, औद्योगिक जोन में दिन में 75 और रात्रि में 70 डेसिबल। दरअसल प्रदूषण नियंत्रण मंडल के आंकड़े हमें ऐसी कड़वी सच्चाई बताने जा रहे हैं जिसे अभी हम गंभीरता से नहीं ले रहे, लेकिन आने वाले दिनों में ये हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को रोगग्रस्त करने में सबसे बड़े कारण बनने जा रहे हैं। दरअसल राजधानी जयपुर में ध्वनि प्रदूषण की स्थिति के लिए प्रदूषण मंडल ने जयपुर में 4 श्रेणियों में 8 जोन बना रखे हैं। साइलेंस जोन में गवर्नर हाउस और दुर्लभ जी अस्पताल वाला क्षेत्र आता है। यहाँ ध्वनि की आदर्श स्थिति दिन में 50 डेसिबल और रात्रि में 40 डेसिबल होनी चाहिए। इसके विपरीत यहाँ दिन में 68 डेसिबल से ज्यादा और रात में 61 डेसिबल से ज्यादा है। इसी तरह आवासीय क्षेत्र के मानक दिन में 55 और रात्रि में 45 डेसिबल होने चाहिए। इस श्रेणी में आने वाले मानसरोवर में दिन में 59 जबकि रात्रि में तो और ज्यादा 62 डेसिबल है। मानसरोवर में आवासीय क्षेत्र होने के बाद भी रात्रि में शोरगुल वाली गतिविधि ज्यादा हो रही है, जो चिंताजनक है। शास्त्री नगर में दिन में शोर 75 से ज्यादा और रात्रि में लगभग 73 डेसिबल है। राजा पार्क और छोटी चौपड़ को वाणिज्यिक क्षेत्र माना गया है, यहाँ भी ध्वनि प्रदूषण मानकों से ज्यादा है। एक आश्चर्यजनक तथ्य ये है कि औद्योगिक क्षेत्र में दिन में 75 और रात्रि में 70 डेसिबल मानक माने गए हैं। इसके विपरीत जयपुर के औद्योगिक क्षेत्र वीकेआई और सीतापुरा में ध्वनि का स्तर मानकों से भी कम है। ध्वनि प्रदूषण का असर तनाव बढ़ता है, चिड़चिड़ापन होता है, चिंता और मानसिक थकान महसूस होती है, श्वसन संबंधी उत्तेजना होती है, नाड़ी तेज होती है, रक्तचाप बढ़ जाता है, इससे सिर दर्द होता है, सुनने की क्षमता में कमी आती है, वोकल कॉर्ड की समस्या हो सकती है, वन्य जीवों के बीच अशांति पैदा हो सकती है, मेटिंग कॉल और ब्रीडिंग पैटर्न में गड़बड़ी हो सकती है। राजधानी में बढ़ता शोर चिंताजनक है। जरूरत इस बात की है कि ध्वनि प्रदूषण को कम किया जाए ताकि जयपुर वासियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर रखा जा सके। जल्द ही इस दिशा में कारगर उपाय नहीं हुए तो इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। आखिर क्यों बदल रहा है गुलाबी नगर का स्वभाव? क्या कारण है कि यहाँ के आम जन के अंदर बहरापन, चिड़चिड़ाहट और आक्रामकता बढ़ती जा रही? कहीं इसके पीछे ध्वनि प्रदूषण तो कारण नहीं? जी हाँ, इसके पीछे एकमात्र कारण ध्वनि प्रदूषण ही है। अगर साइलेंस जोन की बात करें या आवासीय क्षेत्र की बात करें तो वहाँ सामान्य से ज़्यादा शोर सुनाई दे रहा है। मई के आंकड़े बता रहे हैं कि आवासीय और साइलेंस जोन के अंदर
15 से 20 डेसिबल की वृद्धि हुई है, जो सामान्य से बहुत ज़्यादा अधिक है। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि राजधानी के शोरगुल को शांत करने के लिए कोई कारगर उपाय अपनाने चाहिए। कैमरा पर्सन यश माथुर के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।